राम राम जी, जय बजरंगबली जी, कैसे हैं आप सभी। तो ये है गांव की मस्ती एपिसोड 1 और बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो दिखाते रहेंगे। अभी जा रहे फिलहाल दीदी के साथ, कहाँ रहे? गोपालगंज, मतलब मेरे घर से 20 किलोमीटर की दूरी है, और जाएंगे अपने धरनों के साथ। और दिवाली की मार्केटिंग करनी है ना, दिवाली की मार्केटिंग करनी है। और मम्मी के एगो साड़ी लिया बनी, दुगो की नाइल बा, दुगौड़ी चाही खिसी आइल बड़ी खड़ा होके हंस रही है मरबो करिए। तो सोचनी है सन थोड़ा सा खरीदा जाओ बढ़िया से सब कुछ। चल दीदी, पहले तो दादी को उनके नैहर से लाने गए। पहला बंद हमरा से तो कोन ढेर लंबा बारू बड़ बारू ई वीडियो वायरल हो गया। अरे वीडियो होता अरे दीदीया होने तक दादी के बिना तो मन लागेला ना। तागनी इनका नैहर इनका के ले जाए कमाई तार मन लागेला ना। अब तू लोग कितना नजदीक नजदीक ब्याह गईल हो हमार ममहर इतना नजदीक बा, तहार नैहर इतना नजदीक बा, 5 मिनट में पहुंच जाते नहीं। चलो सुबह सुबह उठे थे तो देखे थे चाचा जी लकड़ी काट रहे हैं। तो आप मिनी ब्लॉग में देखे होंगे कि हम भी इनसे कंपटीशन किए और हम भी गए थे लकड़ी काटने, बट हमसे हुआ नहीं क्योंकि जिसका काम उसी को साजे। और बहुत सारे लोगों का मिनी ब्लॉग पे कमेंट था कि लकड़ियों को नहीं काटना चाहिए, उन्हें भी तकलीफ होती है। तो हम लोग सूखी लकड़ियों को काटते हैं, जिंदा लकड़ी को नहीं। जिंदा लकड़ी बोले तो जिसपे फल फूल लगे हो उस पेड़ को हम लोग कभी नहीं काट सकते हैं। ऐसे कमेंट आप लोग ना करें क्योंकि हमें भी पता है कि हमें क्या करनी है। थैंक यू। दादी को उनके नैहर से लाने के बाद हम और दीदी निकल गए गोपालगंज। आगे हमने वीडियो में बताया ही है कि मम्मी के लिए साड़ी लेना था। लगता है के को साड़ी खरीदोगी? दो, मतलब हम एक खरीदे हैं तो ये दो खरीदेगी, मम्मी से बड़ाई मारेगी पूरा, है ना। मम्मी की फेवरेट बनने की पूरी कोशिश में है ये, बनेगी नहीं। देखो मम्मी हमको काला टीका लगा के भेजी है, इसको नहीं लगाइए। उसके बाद घर आए, फिर मम्मी ने बोला कि पैर में आलता लगा दो, और ये वीडियो शूट मम्मी कर रही हैं। मम्मी को भी इस बार सिखाई देंगे कि कैसे वीडियो शूट किया जाता है। हिंदू संस्कृति में आलता लगाना बहुत शुभ माना जाता है, और एक स्त्री का श्रृंगार तब तक अधूरा है जब तक उसके पैर में आलता ना लग जाए। हमारे यहाँ इसको आलता बोलते हैं और बहुत जगह इसको महावर बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में बताना। महावर को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए नवरात्रि में कन्याओं के पैर में आलता लगाने को शुभ माना जाता है। ई वाला अब खराब हो गई। मम्मी कली है कि अब दोसर मेकअप वाला अपन ब्रश दे। मम्मी नी सुंदर लगत नी मम्मी, क्यूट क्यूट, अरे क्यूट लग रही हो। हाँ अभी हम लोग जा रहे हैं थावे मंदिर, गाड़ी का पूजा कराना है, और आज धनतेरस भी है। तो मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मम्मी हैप्पी धनतेरस, कुछ बोल रहा है? हाँ। बोली हैप्पी धनतेरस सबको मेरे परिवार की तरफ से। चलते हैं थावे और बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं। मम्मी अभी कर रही है धनतेरस का पूजा, और हमारे घर में आंगन में है विराजमान है हमारे महावीर जी, इनका पूजा हम लोग करते हैं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। आमतौर पर इस दिन सोना चांदी व बर्तन की खरीदारी की जाती है, और हाँ अगर आपका बजट बढ़िया है तो आप गाड़ी भी खरीद सकते हो। इस दिन काली चीज, धारदार चीज, लोहे और प्लास्टिक की चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन लोग स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करते हैं। मैं तो अपनी गाड़ी पटना में ही खरीद ली थी और पूजा भी अच्छे से हो गया था, लेकिन फिर भी मम्मी का कहना था कि थावे मंदिर में भी पूजा होनी ही चाहिए। धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो हम और मम्मी जा रहे हैं अपनी धनों के साथ थावे मंदिर, क्योंकि गाड़ी का पूजा करवाना था। जब पटना थे तभी बोले थे कि पटना में हनुमान मंदिर में तो पूजा करवा दिए थे, लेकिन हमको थावे मंदिर में भी पूजा करवाना था। तो सोचे मम्मी को लेकर के जाते हैं, बाकी लोग अपने अपने कामों में बिजी है, मम्मी और हम फ्री है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं और बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं थावे मंदिर में कैसे क्या है, क्योंकि पहली जो बड़ी ब्लॉग बना रहे हैं हम अपने गोपालगंज जिला का, और खास करके थावे मंदिर का। मिलते हैं जल्दी। पूजा से पहले तो गाड़ी धुलवानी पड़ेगी, तो हम हैं अभी आरआर मोड़ पे, और यहाँ पे हम गाड़ी धुलवा रहे हैं। मम्मी बैठी हुई हैं, 10 मिनट लगी, अभी 10 मिनट में धुल जाएगा गाड़ी, उसके बाद से हम चलेंगे थावे मंदिर में दर्शन करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ।
मंदिर आकर सबसे पहले हम प्रसाद लिए, चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं हमारा थावे मंदिर। थावे मंदिर जब नवरात्रि में आओगे ना तो सांस लेने का जगह नहीं मिलेगा, इतना भीड़ होता है। पहुंचने में हम शायद थोड़ी सी लेट हो गए हैं, अंदर का शायद गेट बंद हो गया होगा। चलिए देखते हैं अंदर में क्या होता है। और मम्मी पूरा डिग 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 करके चल रही है। अंदर जाने के साथ ही एक अलग सी एनर्जी आ जाती है अंदर। हम भी जा रहे हैं लाइन में लगने। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, मंदिर का गेट अंदर से बंद हो चुका था, हमें बाहर से ही दर्शन करना पड़ेगा। इतनी दूर आए हैं तो माथा टेक करके ही जाएंगे माता रानी के सामने। माता रानी के लिए बहुत सारा थैंक यू लेकर के आई हूँ और इनके सामने माथा टेक करके मैं बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। लाइन में लगकर हम और मम्मी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ये बाबा जो पीछे वीडियो में दिख रहे हैं, ये पूछे हमसे कि बबनी है छोटका मोबाइल लिया कितना में खरीद ले हो। फिर हम इनको बताए कि बाबा ये कैमरा है, तो पीछे पीछे आने लगे और बोल रहे थे कि अच्छा देखाइबू केंगा बा। क्यूट हरकत बाबा ने किया ना कि मैं इनको अनजाने में रिकॉर्ड की, इनको दिखाते दिखाते कि देखी हेंग अबा टे, कि इनको पता ना चले कि रिकॉर्ड हो रहा है। मम्मी मम्मी घुमा। माता रानी के दर्शन नहीं हो पाए, हम लोग गेट से ही खड़े होकर के पूजा किए और अपना माथा टेक, और मैंने माता रानी को अपना ढेर सारा थैंक यू बोला। थावे वाली माई के बहुत ही प्रसिद्ध और विख्यात इतिहास बटे जौन के पढ़ लेने के जरूरत बटे, और इस वीडियो के माध्यम से हमारा जितना भी जानकारी बटे हम बतावे की जरूर कोशिश करें। जय माता दी, जय माँ थावे वाली। ऐसा माना जाता है कि थावे वाली माता अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं और यह भारत के शक्ति पीठों में से एक भी है। आपकी जो भी मन्नत हो वो यहाँ पे आप बांध सकते हैं। माँ थावे वाली का पवित्र स्थान भारत के बिहार में गोपालगंज जिले के थावे में स्थित है। इस मंदिर में केवल देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग दर्शन करने आते हैं। बोले साचे दरबार की जय, माँ थावे वाली की जय। अब आ गए हैं बाहर गाड़ी का पूजा करवाने के लिए, और मेरी मम्मी का बहुत मन था कि वो मेरी गाड़ी का पूजा करवाए। खड़गं चक्रगदेशम तुलम संदेश शंखं संदग्धकर स्त्री नयना सर्वांगा भू संभृता नीला स्मदवादस्कां सेवे महाकालिकां जामस्युहंतं मधुकैर्वं ओम चर्ता प्रसंगते क्लीशं पद्मंधरकुंडिकां यं ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुतः यस्तुमन्ति अरविन्दे साङ्गपथक्रमोऽप्येषे ग्रन्थ्यं श्यामाका जानवत्येन सिद्धेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न वेदु। बोले ओम हरि ओम तत्सात् विष्णु 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 परमात्मने नमः। अद्य ब्रह्मरि जम्बुदीपे अष्टाविंशति कलियुगे कलिपुत्रं चरे मांसानां ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहाते जय त्वं देवी चामुण्डी जय भूता चार जय सरगते देवी
रक्षा धागा बनवाकर हम सीधे घर के लिए निकल गए। और घर जाने से पहले हम लिए थावे का मशहूर पड़किया। यहाँ आए और पड़किया ना खाए कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, मतलब लगता है कुछ भुला गया, कुछ भुला गई बटे। हमारा बजट बहुत कम था, सोचे तो बहुत कुछ थे कि इस धनतेरस पे बहुत कुछ करना है, लेकिन पॉकेट अलाउड नहीं कर रहा था, तो इस धनतेरस हमने बस एक सिक्का लिया। आपको कमेंट में बताना है कि आपने इस धनतेरस पे क्या क्या खरीदा है। मैं आपसे मिलूंगी दिवाली वाले ब्लॉग में। उसको क्या देख रहे हो, मतलब हम बोले थे ना कि मेरे घर में अगर स्टील के डंडा बंधा जाए मच्छरदानी के तो मजबूत ना होला, और बांस के जो बाती चीर के बंधाई नू भाई ए मेरी एक पेंट कर देने वालों की अच्छा दिखी, तो ई मजबूत होला और ई चारू कोना पे बंधाई मच्छरदानी बंधाई और मच्छर ना काटी। मैं आपसे मिलूंगी गांव की वीडियो लेकर। ये था हमारे गांव की मस्ती का एपिसोड 1। अभी बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।